क्या गाती है गीत में, और फरियाद मेरी ओ भाई रे, और तुम सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही, खेल में खतरे में ईमान है, फस गया जगा के खेल में खतरे में ईमान है, और जाति दी निशान है रे, जाति दी निशान है, फसने में भई भैया मेरी सुनो तो सही, भैया मेरी सुनो तो सही, चमन हरसाना जी मांगर से, वो भी 100 रुपए से अपना आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। 200 रुपए आदरणीय जयप्रकाश जी भांकरी से, 500 रुपए आदरणीय मलके जी इस रागनी पे खुश होकर के देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए आदरणीय ब्रह्म सिंह बालियाबाद से, 211 रुपए आदरणीय चतर सिंह नवादा से, 101 रुपए आदरणीय संजय जी अनंगपुर से, और 200 रुपए आदरणीय रणबीर नंबरदार मांगर से इस रागनी पे खुश होकर के देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। मेहरबानों तीसरी कली में किस तरह से समझाने लगी, यूं कहने लगी कि आज वो खिलजी बादशाह है, दिल्ली का सुल्तान है, और तेरी मम्मी पद्मावत का ढोला मांग रहा है, आज हिंदुओं की लाज तेरे हाथ में है, बचा ले अगर बचा सकता है तो ये कहती है। पाप की डोर में, धिंगा धिंगी में धागता
बादल, अगर तुझे लाज बचानी है जिस शादी को तू करने जा रहा है, इस शादी को बाद में करना, पहले अपने मामा की कैद को छुटा करके ला, अपने सिर से इस मोड़ को उतार करके खुट्टी से टांग दे और पहले हिंदुओं की लाज को बचा, क्योंकि शादी बाद में हो सकती है, अगर इज्जत और आबरू चली गई तो वापिस नहीं आ सकती। किस तरह से लास्ट बात में समझाती है और के कहती है शादी भाई शादी करना बाद में खुटी धर दे मोड़ तू, शादी करना बाद में खुटी धर दे मोड़ तू, पीर सिंह के साथ में